नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम नई मंजिलें के एक और सौगात के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शौकत। नाज़रीन, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि ये प्रोग्राम इस जज्बे और एहसास का आईनादार है जो भारत सरकार की मुखलिसाना पॉलिसियों और फराख दिलाना इमदाद से जम्मू कश्मीर के गोशे गोशे में आशकारा हो रहा है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मुलाहिज़ा हो एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। वागर बड़गांव में समग्रा शिक्षा अभियान से तालीम और तरबियत के शोबे में फैल रहा है नया उजाला। हाई डेंसिटी सेब के बागात उगाने के हवाले से पुलवामा के तरक्की पसंद किसान मरकज सरकार की मुराद से हौसला पाकर बन रहे हैं एक नए माशी मुस्तकबल का ताना बाना। पीएम एवाई के तहत त्राल में बेघर खानदानों के लिए घरों की तामीर से इनमें एक पुरसकून जिंदगी जीने की खुशकुन चाह जाग रही है। और श्रीनगर में मरकजी मुआनत वाली स्कीम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर नौजवानों के लिए बन रही है रोजगार का एक दिलनशीन और नफा बख्श वसीला। वागर बड़गाम में मरकजी मुआनत वाली स्कीम समग्रा शिक्षा अभियान के नफाज से वालिदैन में अपने बच्चों की तालीम और तदरीस के हवाले से काबिली दीद और एतमाद बख्श एहसास देखने को मिल रहा है। मुलाहिजा हो मजीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। तालीम से मुतालिक मरकजी सरकार की मुरतब करदा स्कीम समग्र शिक्षा अभियान जम्मू व कश्मीर के हर एक इलाके में आवाम के लिए नहायत ही मुफीद और राहत रसा साबित होती जा रही है। बड़गाम जिला के वागर इलाके में आवाम मौजूदा मरकजी सरकार की तरफ से इस हवाले से किए जा रहे इकदामात इत्मीनान और एतबार के जज्बे से सरशार नजर आते हैं। जिला में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम की बदौलत नौनिहालों को इब्तदाई तालीम और तरबियत के हवाले से काबिलदीद तब्दीलियाँ नजर आ रही है। जिला की चीफ एजुकेशन ऑफिसर इस सारे खुशगवार माहौल के हवाले से इजहारी ख्याल करते हुए कहती है, इनिशिएटिव है ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की अगर बात करें हम, ये एनईपी में इंटीग्रेटेड स्कूल्स के माध्यम से हुआ है। क्योंकि जब हम इंटीग्रेटेड स्कूल्स की बात करते हैं तो इससे पहले क्या होता था कि हमारा जो जितना भी फीडिंग स्कूल्स थे हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो 9th, 10th या फिर 6th, 7th या जो भी लोअर प्राइमरी की भी अगर बात करें तो हमारा फीडिंग आता था सारा प्राइवेट स्कूल से। तो ये इनिशिएटिव उस तरफ है कि हम अपने ही फीडिंग स्कूल्स करें तैयार, जिसमें कि हमारे जो बिल्कुल बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, जो क्योंकि आपने सुना होगा एनईपी के बारे में कि जब हम 3+3+ जो हमारा नया उसमें आया है तो उसमें हमने देखा कि आंगनवाड़ी पहला हमारा जो है स्टेप टुवर्ड्स एजुकेशन है वो आंगनवाड़ी में है। फिर उसके बाद हमारा आता है किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन में जो हमारा प्लेवे सिस्टम है वो हमें लैकिंग था। वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम आप बात करें ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो वो इनिशिएटिव जो नया है कि मैंने आपको बोला कि जो इसी 2022-23 में हमारे 88 नए किंडरगार्टन फंक्शन हुए। किंडरगार्टन इन द सेंस कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अलॉन्ग विद जितने भी इक्विपमेंट्स है, चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर है, उसमें प्ले सिस्टम है, तो वो सारा उसमें इंकॉर्पोरेटेड है। वो 88 फंक्शनल है और 23-24 में हमने प्रपोज किए हैं 84 मोर। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मुताबिक इब्तदाई तालीम के हवाले से वागर इलाके में समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो भी ज़रूरियात और सहूलियात नौनिहाल और कमसिन बच्चों को दस्तियाब है इन्हें देखकर बच्चों के वालिदैन खुशी का इजहार कर रहे हैं। बच्चन प्रसान तय क्या करूँ क्या पढ़ू तो माशा तुम सोरे वाना हत्या कि असान ना वनकिस तम सही सी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल मज और तमाम वन ना प्राइवेट स्कूल हु चीज ना माशा गवर्नमेंट स्कूल इज वेरी बेस्ट स्कूल ये प्रेथ कुछ फैसलटी तहत अगर बच्चे वो असल आसान ये अस मिसाल कि मे बच्चे पढ़ा जनाब अमिस बुक्स तरह योर अनाब गिन्न कर खुम तेम चीज मैसर तम जनाब सोरी अच्छे प्रेथ कह फैसलटी ये स्कूल खास कर एवेलेबल अके वो आये वनकस दोपहर टाइम जनाब अये स्कूल पे मे पी बच्चे माशा बत खे वाले अगर ना कह बच्चे हेकान पान खेत तुम्हें टीचर्स इन अ थमित
مثال یمن بتہ رن خاطر تم تلان اصل پہ تمہیں بتہ آپرا کھان چان تم ہینڈ واش کر اصل پہ ماشاء اللہ اصل قومی تعلیمی پالیسی اعلیٰ تعلیم و تربیت یافتہ اساتذہ کی موجودگی کو اجاگر کرتے ہیں جو بچوں کی عمدہ اور مفید تعلیم و تربیت کو یقینی بنانے کے خاطر لگن سے کام کر کے بچوں کے مستقبل کو حقیقی معنوں میں روشن کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ بڈگام ضلع میں بالعموم اور واگر علاقے میں بالخصوص اساتذہ سمگرا شکشا ابھیان کو حقیقی معنوں میں عملانے کی خاطر ایک نئے جوش اور ولولے سے سرشار ہے۔ گورنمنٹ نے جو سمگرا شکشا ابھیان کی جو اسکیم لانچ کی ہے اسکولز میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پچھلے کچھ سالوں سے، تو اس میں جو ایلیمنٹری ایجوکیشن پر انہوں نے زیادہ زور دیا ہے، تو اس کے لیے سمگرا شکشا ابھیان جو ہے وہ انفراسٹرکچر بھی پرووائڈ کر رہا ہے، لائک وہ یونیفارم پرووائڈ کر رہا ہے، وہ خاص کر ایلیمنٹری ایجوکیشن کی بھی بات کر رہا ہوں، وہ یونیفارم فری ٹیکسٹ بکس مہیا کر رہا ہے، فری مڈ ڈے میلز ہیں ان کے لیے بچوں کے لیے مل رہا ہے اسکولز میں۔ تین سال تو بچے کو دینے ہیں نا، اس کے بعد وہ فرسٹ میں ایڈمیشن لے پائے گا، اس کا مطلب ہے کہ تین سال میں بچہ ایکسل بہت کر سکتا ہے، اور خاص کر جو اگر ہم بات کریں کہ لیٹرز، ہم لینگویج کی بات کریں، فار ایگزامپل میں انگلش کی بات کروں گا، تو بچے کو پہلے تو ریکوگنیشن ہونی چاہیے لیٹرز کی، پھر اس کے بعد وہ ان کو رائٹ کر سکتا ہے، ریڈ کر سکتا ہے، پھر رائٹ کر سکتا ہے اور اسپیک کر سکتا ہے، تو یہ جو کمپیٹنسیز ہے یہ تو بچہ اسی میں ڈیولپ کرتا ہے نا، وہ تین سال کافی ٹائم ہوتا ہے۔ واگر بڈگام میں بچوں کے والدین اس احساس سے بھی آراستہ ہے کہ اس طرح کی سرکاری تعلیمی پالیسیوں سے اب کہیں نہ کہیں سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم کا طریقہ کار برابری پر آیا ہے، اور پھر سرکار کی جانب سے سرکاری اسکولوں میں بچوں کے لیے مفت کتابیں، وردی اور دوپہر کا کھانا ملنا والدین کو اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بلا جھجک داخل کرانے کا حوصلہ بخش رہا ہے۔ مے چھ بچی پڑھان یتہ فسٹ ویئر چھ امس یتہ کے جی کلاسس منز، واریہ اصل سکول چھ یہ، واریہ ایجوکیٹڈ مطلب ٹیچر چھ یتہ، ہیڈ ماسٹر صاحب چھ واریہ اصل تہ بہتر، تہ پرتھ کانہہ فیسلٹی چھ یمن بچن یتہ، سارنی کھوتہ اصل فیسلٹی چھ یمن کہ پرائیویٹ سکولس تہ یتھ منز چھ سو ڈفرینس کہ اسہ چھ پیوان صبح پرائیویٹ سکولس منز ٹفن بکس تیار کرن، ٹفن بکس پیوان تیار کرن، تو ام نش چھ اس مطلب بچان کہ یتہ ساری فیسلٹی، بڑا اصل کھین چھ یمن ملان بچن یتہ، سورے چھ یتہ اصل، کتاب چھ یتہ ملان اصل پٹھ، پین قلم کاغذ سو وردی تہ یونیفارم تہ چھ ملان یتہ، سورے اصل چھ ملان یتہ، یہ چھ واریہ بہتر سکول، پرتھ کانسہ پیرنٹ چھ یوان یہ التجا کرنے کہ تم کرن مطلب پنن بچہ زیادہ افورڈ یکنی۔ بڈگام ضلع میں سمگرا شکشا ابھیان کے تحت تعلیم و تربیت جو نئی انگڑائی لے رہی ہے، اس کو لے کر علاقے میں عوام مرکزی سرکار کی خاصی ستائش کر رہے ہیں۔ سیب کے ہائی ڈینسٹی باغات اگا کر سیب کی پیداوار کی موجوں کو ایک نئی روانی دینے کی خاطر اب پلوامہ کے کسان مرکزی سرکار کے کسان دوست اسکیموں سے استفادہ حاصل کر کے مستقبل کے لیے اپنی بہبودی کی ایک نئی داستان رقم کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات ہماری اس رپورٹ میں۔ کشمیر میں سیب کے ہائی ڈینسٹی باغات کی مقبولیت بڑھنے اور کئی دہائیوں قبل لگے ہوئے سیب کے پیڑوں کو اکھاڑ کر ان کی جگہ ایک بہتر ٹیکنالوجی کو اختیار کر کے اپنی تقدیر کو سنوارنے کی خاطر اب جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں کسان اپنی باغاتی رقبوں پر ہائی ڈینسٹی سیب باغات اگانے کی ڈگر پر گامزن ہے۔ ریاستی سرکار نے کسانوں کو ہائی ڈینسٹی سیب کے بوٹے اور دیگر متعلقہ ضروریات فراہم کرنے کی خاطر ایک کارآمد طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، جس کے متاثر کن نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ پلوامہ ضلع میں مرکزی سرکار کی نگرانی میں چلنے والی اس پہل کے حوالے سے ضلع کے چیف ہارٹی کلچر آفیسر ضلع کے کسانوں کو فراہم کی جانے والی مراعات اور دیگر متعلقہ ضروریات کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس وقت فری ٹریڈ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو فروٹ آ رہا ہے، خاص کر سیب آ رہا ہے، کتنے کنٹری سے جو ہے آتا ہے اپنی کنٹری میں، ایک بڑا اسکوپ ہے اس انڈسٹری کا، تو ہم انہی ورائٹیز کو جو اس وقت باقی کنٹری سے یہاں امپورٹ ہو کے آتا ہے،
तो उन्हीं वैरायटीज़ को हम इस वक्त अपने ऑर्चार्ड्स नए ऑर्चार्ड्स बना रहे हैं और फार्मर को एक अच्छी इनकम मिल रही है। तो इस साल की अगर हम बात करें जो 2023 की अपने पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमें ऑर्चार्ड लगे हैं, एक फार्मर को फार्म गेट मेरा मतलब है जहां उसका ऑर्चार्ड है वो अपना क्रॉप हार्वेस्ट करता है, बायर वही खरीदता है उसे, वो कोई पैकिंग के बगैर वो खाली उसको वहां वेट करके देता है। शुरू हो गया पर केजी 90 रुपीज एंड इट वाज बिटवीन 90 एंड 130 रुपीज। बाग में ही एक फार्मर को एक अच्छा खासा, एंड फार्मर्स आर वेरी वेरी हैप्पी विद दिस स्कीम। तो इस साल यू विल नॉट बिलीव, मेरा इस साल का टारगेट है 40 हेक्टेयर्स पुलवामा का, जबकि एप्लीकेशन से मुझे 110 हेक्टेयर की आ गई। तो इतना ज्यादा डिमांड है, तो सरकार की तरफ से इस स्कीम में सपोर्ट है 50% एक ऑर्चर्ड लगाने के लिए। पुलवामा के तरक्की पसंद किसान सेब की पैदावार को एक नई जोहत फराहम करने के सिलसिले में निहायत ही पुरजोश और संजीदा हैं। इस नई तब्दीली को अपनी मुआशी पायदारी और इस्तेकाम का एक मुस्तकिल वसीला बनाने की खातिर सरकार की तरफ से फराहम की जाने वाली मुराअत और मुफादात से भरपूर फायदा उठाकर कश्मीर में सेब के उगाने के हवाले से एक नए मंजरनामे में शिरकत दार बन रहे हैं। गवर्नमेंट ने ये अच्छा कदम कश्मीर में उठाया है, जहां ये बेरोजगारी थी ना, वो इस प्रोजेक्ट से बहुत कम हो रही है, इसमें बहुत फायदा है। मैंने ये 2020 में लगाया, इस साल ये इसका तीसरा साल है, इसमें मेरे को 4000 क्रेडिट इस साल निकले, बहुत फायदा मंद ये बूटा है। लिहाजा मैं तमाम अपने ज़िम्मेदारों से इस्तेदा करना चाहता हूँ, फौरन अपने बच्चों को इसमें माइल कीजिए और इससे बहुत बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, तो इसका 4 गुना पैदावार होता है, बहुत फ़ायदा इसका होता है। सेब के हाई डेंसिटी बागात का तस्वुर असल में इटली का आजमूदा है, जो अब दुनिया के दीगर ममालिक के साथ साथ भारत में भी अमलाया जा रहा है, जिसके मुस्बत नताइज बरामद भी हो रहे हैं। पुलवामा के बाग मालकान सेब के बागात लगाने के हवाले से इस नई तब्दीली को खुशनुमा करार दे रहे हैं। इन्हें पुख्ता यकीन भी है कि इस तरह की बागबानी वक्त की जरूरत है और इससे वो नहायत ही कम वक्त में एक मुफीद कारोबार के हामिल हो सकते हैं। इसमें बहुत फ़ायदा है, हम 3 भाई हैं, हम बहुत सेटिस्फाई हैं और हमने इस साल और 4 कनाल में ये किया है, हाई डेंसिटी लगाया है। हम लोगों को यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास सोर्स है, इससे बेटर और कोई बिजनेस नहीं है, ये रेवोल्यूशन है ये। और डिपार्टमेंट, यहाँ डिपार्टमेंट बहुत सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है लोगों को इसमें। हर एक को मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर उनके पास ज़मीन है, अगर किसी के पास 10 कनाल है बाग, 5 कनाल अगर कन्वर्ट करेगा, 5 कनाल जब वो प्रॉफिट देखेगा फिर वो सब कन्वर्ट करेगा, अगर नहीं करेगा भी कन्वर्ट सब, थोड़ा ये भी रखेगा, इससे प्रोडक्शन आती है बहुत। और जून से ही स्टार्ट हो जाती है इसका हार्वेस्टिंग, जून से ही स्टार्ट हो जाती है, वो कंटिन्यू इसमें काम करेगा। इसमें ये कश्मीर में अगर रेवोल्यूशन लाएगा तो वो है हाई डेंसिटी। नए दौर में नई और मुफीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाकर अपने शब रोज में एक नई जान डालने की सही और कोशिश करना हर एक बाशऊर इंसान का मकसद होता है, और पुलवामा के तरक्की पसंद किसान सरकार की अवाम दोस्त पॉलिसियों को एक सच्चे जज्बे के साथ इख्तियार करके अपनी आइंदा की मंजिलों को आसान बनाने के लिए परतोल रहे हैं। त्राल में PMAY के तहत बेघर और बेसहारा लोगों के लिए पक्के घरों की तामीर से ये नादार लोग काबिल कदर राहत महसूस कर रहे हैं, और इस सिलसिले में सरकार की फराख दिलाना इमदाद और निगरानी को सर आंखों पर ले रहे हैं। मजीद मालूमात के लिए पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना बेघर और गरीब कुंभों को घर तामीर कराने के हवाले से वजीर अजम नरेंद्र मोदी की तरफ से 2015 में शुरू की गई एक ऐसी आबादकारी स्कीम है
जिससे मुल्क में अब तक लाखों बेघर कुंभों के लिए घर तामीर किए जा चुके हैं। मौजूदा मरकजी सरकार की तरफ से इस स्कीम को अमलाने की खातिर जो मुखलिस और इनकलाबी इकदामात किए जा रहे हैं, इनके तहत जनूबी जिला पुलवामा के त्राल इलाके में हजारों बेघर कुंभों के लिए घर तामीर किए जा चुके हैं। इलाके के लोग मरकजी सरकार और महकमा देही तरक्की की खासी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें एक लंबे अरसे के बाद रहने को ठिकाना मिला है। प्रधानमंत्री योजना तहत हसा मोल में मकान यथ मन सोन फैमिली मे फैमिली पांचन मेम्बर मुश्तमिल पांचन मेम्बर फैमिली मुश्तमिल यही कमरस मे रोजान मजीद कह सहारे अस गई यह पे गवर्नमेंट के ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर नश कि ब्लॉक के तरफ कह इमदाद मिलन बहरहाल तमो दें डॉक्यूमेंट्स अनु तुम करो वेरिफिकेशन तमो वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन वाले तुम सठा शुक्र गुजार बह कि यमो वेरिफिकेशन कर कि पजिस दु साथ पी एम ए वाई तहत हा इन कह गमेंट स्कीम कजम यम मकान आई ए वाई मन जन ए वाई जुमरस मन पी एम ए वाई प्रधानमंत्री योजना तहत यम मकान यमो दिम मकान अ बुनियाद पे कि तुम हा गरीब तुम हा चुन कह सहारा अम बगैर कि तवे मूजूब हा गमेंटन अम मकान यह बड़ा असल कदम कि प्रधानमंत्री योजना तहत यमो यम मकान दि यह जबरदस्त जबरदस्त प्रोग्राम तहत यह जबरदस्त असल तेज अम सो लक्षपति लुकन फायदे करोड़ बदल लुकन तेज खास कर सलाक मे तम तमन नहीं कहन कस्म सहारा ये जन स्कीम तहत तम तमन मिलो बेनिफिट्स कि सारे मूल आराम इलाके में इस स्कीम के नफाज से गरीब और बेघर कुंभों को जो फवायद हासिल हो रहे हैं, इनसे इन्हें जीने का एक नया आसरा मिल रहा है और वो एक नई रोशनी महसूस कर रहे हैं। पांच बस एक कमरस में जबरदस्त मुश्किल कोड़े नीचू पान बस जबरदस्त मुश्किल एक कमरस में वो बोझ ब्लॉक वो दिवान मकान आवास योजना मकान तम आए तम गए तम कर् वेरिफिकेशन दहन सा तुम हा अ लायक तो तमो कर काम दोपक केंच पर तोय थो अत लिस्टस में दुतुक मकान आखस तो त्रोवुक तो पनन ति पियो अत के मतलब करन के पोंस त्रावन तो वनि वोत न पाई तक मिलस के इंशाल्लाह वई छ उम्मीद बेति तरन पोंस के वाति ये पाई तक मिलस ये गइस कंप्लीट इस तेको असल पने जिंदगी बच हकन अत म जिंदगी पने गुजार तो केज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छ जबरदस्त गरीबन गुरबातन पर मदद करन तो यम बेघर आसान तम तो मतलब बसन लायक ग तम तो राहत वातान अम सचन बचन वातान फायदे क्या कह ठिकाना आमस तो ठिकान बनान अम सठा शुक्र गुजार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यम स्कीम कज तो वाच गरीबन गुरबात तम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल इलाके में पी एम ए वाई के हवाले से बेघर कुंभों को घर तामीर कराने के काबिल बनाने के लिए सरकार की तरफ से किए जाने वाले इकदाम का अहाता करते हुए कहते हैं कि रवा माली बरस के दौरान इलाके के सैकड़ों बेघर कुंभों के लिए मकानात की तामीर मुमकिन बना दी गई है। यूं इन्हें एक लंबे और कठिन अरसे के बाद राहत का एहसास हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे बहुत आसान तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो कुछ ऐसी स्कीम्स जो हैं जो आज तक थी नहीं और अभी उनका जो है बेनिफिट एक्सटेंड हो रहा है सारे कंट्री में और स्पेशली इन जे एंड के शेड्स हुआ करते थे इन लोगों के पास, तो दैट हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फुल फ्लज्ड डिवेलिंग हाउसेस। तो ये एक्चुअली स्कीम ही है कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाउसिंग फॉर ऑल के बैनर के तहत इस स्कीम को चलाया जा रहा है और त्रार में बहुत ही आसान तरीके से ये चल रही है। एक बेघर और बेसहारा शख्स के लिए एक आशियाना इसकी पहली तरजीह होती है, क्योंकि इस तरह से वो दीगर जरूरियात के हुसूल के लिए अपनी अगली मंजिलों की तलाश में निकलने के काबिल बन जाता है। और यूं त्राल में भी पी एम ए वाई से इस्तेफादा करने वाले लोग इसी एहसास से सरशार है। बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार की तरफ माइल करने की खातिर मरकजी सरकार की स्कीम मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर जैसी कारामद स्कीम के तहत श्रीनगर जिला के कई तालीम याफ्ता जोशीले नौजवान इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करके अपने रोजगार के सिलसिले में एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए मुलाहजा कीजिए
हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मुआशी तौर पर खुद कफील और खुददार बनाने की गर्ज से कई स्कीमों को मुरतब करके इन्हें अमली जामा पहना रही है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इसी तरह की एक नौजवान दोस्त स्कीम है जो मुकामी नौजवानों को खुद रोजगारी अपना कर इन्हें बेरोजगारी का मुकाबला करने की तरगीब व तहरीक फराहम कर रही है। इस स्कीम के तहत इसमें एक कंपोनेंट आता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें कई स्कीम्स आती हैं जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीए स्टोर्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लो कॉस्ट फूड प्रिजर्वेशन यूनिट्स, रेफ्रिजरेटेड वैन, तो इन पे हम सब्सिडी मुहैया कराते हैं। हमारा लो कॉस्ट प्रिजर्वेशन यूनिट जिसकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉस्ट हम रखा हुआ है 2 लाख रुपये, तो जो भी हमारे पास ट्रेनी हो जो कोई भी एप्लीकेंट हो इस स्टेट का वो अप्लाई करता है और उसको हम 1 लाख, ये यूनिट जब इस्टेब्लिश करने के बाद उसको 1 लाख रुपये हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। और इस यूनिट लगाने के लिए उसको कोई खास फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, एक आधार कार्ड, बैंक की कॉपी और एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। इसके बाद जब वो मशीन्स खरीद के लाता है, हमारे पास बिल सबमिट करता है, हम उसकी इंस्पेक्शन करते हैं और उसको जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें फंड्स आते हैं हम उसको सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं टू बैंक। इस स्कीम के तहत अपने यूनिट्स कायम करने वाले नौजवानों को सरकार की तरफ से 50% की सब्सिडी दी जाती है। श्रीनगर के कई नौजवान इस स्कीम से मुस्तफीद होकर अपनी खुद कफालत और खुद रोजगारी के हवाले से नई मंजिलों की जानिब गामजन है। यह नौजवान कम कीमत के यूनिट लगाकर सब्जियां, सिरका और मसाले तैयार करके अपने इर्द गिर्द के नौजवानों के लिए रोजगार फराहम करने के मौके भी दस्तियाब कर रहे हैं। जो भी इस फील्ड में इंटरेस्टेड है, हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन में या हॉर्टिकल्चर में इंटरेस्टेड है, कश्मीर एक हॉर्टिकल्चर का हब है, ये सब जानते हैं। यहाँ बहुत सारी प्रोडक्शन होती है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की। भगवान ने इसको, कुदरत ने इसको सब कुछ दिया हुआ है, क्लाइमेट अच्छा दिया हुआ है, यहाँ की सॉइल बहुत अच्छी है, पानी की कोई कमी नहीं है, इतना अच्छा वातावरण होने के बाद इतना अच्छा प्रोडक्शन आ रही है। अब हमें काम करने की जरूरत है वैल्यू एडिशन पे, इसके आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है इनके लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ, पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयड और गर्ल्स बॉयज जो भी है, वो उनके लिए मेरा मैसेज है कि वो जिस तरह की भी यहाँ से सपोर्ट चाहते हैं डिपार्टमेंट में, हमारे लाल मंडी मेरे ऑफिस पे आए तो मैं उनके साथ पूरा बैठ के, उनके साथ शाना बजाना बैठ के उनको पूरा सपोर्ट करूंगा, उनको गाइड करूंगा कि वो किस तरह का यूनिट इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ी उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। शाह हमदान कॉलोनी जैनकूट श्रीनगर के फिरदौस अहमद बाबा ने मजकूरा स्कीम का फायदा उठाकर अजान फूड्स के नाम से सेब का मुरब्बा तैयार करने का एक यूनिट कायम किया है। इनका कहना है कि उन्हें इस हवाले से खासा हौसला मिला है और लोगों की तरफ से इन्हें इस हवाले से खासी हौसला अफजाई और फायदा भी मिल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें ट्रेनिंग मिली है, उसके बाद हमें जो भी हमने मशीनरी ली है, फूड ड्रायर लिया है, सीलिंग मशीन ली है और भी बहुत सारी मशीन ली हमने, तो उसमें हमें 50% की सब्सिडी मिली है। मुराबा भी हमने बनाया है 1 महीने से, तो इसको हम डायरेक्ट ग्रोवर से ले रहे हैं, उसके बाद हम इसको वॉश करते हैं और उसके बाद इसको हम सीड निकालते हैं, उसको बॉयल करना पड़ता है, फिर इसको 3-5 दिन तक हम इसको बॉयल करना पड़ता है इसमें, तो उसके बाद इसको स्ट्रेन करना पड़ता है, तो उसके बाद इसको वापस इसमें ऐड प्रिजर्वेटिव्स करने होते हैं, तो ये ऐसा प्रोडक्ट हमारा बनता है। हम मुतमईन हैं क्योंकि स्टार्टिंग में ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला हम एक प्रोडक्ट में, आगे इंशाल्लाह और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे हम। शशगिरी बाग हैदरपुरा श्रीनगर की एक खातून रुखसाना बानू ने इस स्कीम से इस्तेफादा करके चांद फिट्स नाम का एक कारोबारी यूनिट कायम किया है, जहां वो टमाटर जूस और सिरका तैयार करके इन्हें बोतलों में बंद करके अपने लिए रोजगार का एक मुफीद और पायदार वसीला तैयार कर रही है। तो ट्रेनिंग में हॉर्टिकल्चरस नीचे कर्म तो शुक्र गुजार हॉर्टिकल्चर मतलब गर बिहत कम से कम हम पान रोजगार
تو ہارٹیکلچرس چھ امہ خطر دن سبسڈی لچھ روپیے مے ونکن پروڈکٹ یہ تیار بس بنانا ونیگر بیس بہت ٹمیٹو پیوری بنانا یم خطر اہم مشین استعمال مزان بیس بہت سپائسز بنانا تمہ خطر مشین استعمال مزان اسی فی الحال مارکیٹ ڈیلنگ کر مطلب اس اور لوکل انسان انسان انا ٹماٹرس پنژہ کلو یا ٹماٹر دہ کلو وہ کلو تمہن تم دن یس تیار کر مرژان این کان لدر این کان تمہ تیار کر نوجوانوں کو سرکاری ملازمتوں کے بجائے تجارت اور کاروبار سے متعلق اپنے یونٹس قائم کرنے میں سرکار کی اس حوصلہ افزائی کو عوام میں خاصی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے اور دن بدن دیگر نوجوان بھی خود روزگاری کو اپنا کر اپنے مستقبل کو روشن بنانے کی جانب گامزن ہو رہے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام نئی منزلیں کا آج کا شمارہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔